Now, the next one is our skin. Okay, tell me, what is the functions of our skin? Okay, see, our skin helps us to feel things. It means जो हमारी skin है वो हमें मदद करती है कि हम किसी भी चीज़ को feel कर सकें. See, skin helps us to feel hard, soft, hot, cold, smooth and rough surface. We touch things to feel them. It means कि जो हमारी skin है वो हमें help करती है. कोई भी चीज़ अगर hard है या soft है या गर्म है या ठंडा है या वो एकदम soft है या बिल्कुल rough है, तो ऐसी चीज़ को हम टच करके फील करके पता कर सकते हैं. तो स्किन हमारी हेल्प करती है कि हम चीज़ों को टच करके उसको फील करें कि वो कैसा है. नाउ हार्ड लाइक रॉक, सॉफ्ट लाइक कॉटन या टेडी, हॉट लाइक टी, कोल्ड लाइक कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफ़ी, स्मूथ लाइक फर एंड रफ लाइक सैंड पेपर या सीमेंट रोड एक्सेट्रा. इट मीन्स कि हार्ड जैसे जो पत्थर होता है ना उसके जैसा हार्ड, सॉफ्ट जो हम सबके पास टेडी बियर तो होगा, टेडी बियर जो होता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट उसको छू के हमें कितना अच्छा लगता है, तो वो ऐसा सॉफ्ट. हॉट जैसे गरम गरम चाय, कोल्ड जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो वो ठंडी ठंडी होती ना वैसे कोल्ड. स्मूथ लाइक फर, जैसे जो टेडी बियर के जो फर होते हैं ना हम छूते हैं तो कितना स्मूथ रहता है उसके जैसे. एंड रफ, रफ लाइक सैंड पेपर जो बालू पेपर होता है वो उसको हम लोग छूते हैं तो कैसा वो हार्ड लगता है, या जो सीमेंटेड रोड है होती है जिसमें लोग चलते हैं, तो ये जो है वो रफ. ओके, तो जो हमारी जो स्किन है वो हमें हेल्प करती है कि हम चीज़ों को पहचाने, और वो कैसे हेल्प करती है, हम चीज़ों को छू कर हम उसको पहचान सकते हैं, तो ऐसे हमारी स्किन हेल्प करती है. ओके, नाउ चिल्ड्रेन आई एम गोइंग to tell you some interesting fact. A baby has very small body parts. As it grows, its body parts become bigger. It means कि जो छोटा बेबी होता है उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं means legs, hands, eyes, ear, nose सब बहुत छोटे होते हैं. As it grows, वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसके बॉडी पार्ट्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन टेल मी, एज वी ग्रो बिगर व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ योर क्लोथ्स एंड शूज. इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस या It's remain the same. Think about it. Yes, it's increases because the size of our body also increases. Okay? Now, let's recall the topic sense organs. Our eyes, ears, nose, skin and tongue are the sense organs which help us to see, hear, smell, touch and taste things. It means our eyes help us to see, ears help us to hear, nose helps us to smell, our skin
help us to touch and our tongue help us to taste things. Okay, now let's do some activity question on it. First question. Name the body part that helps you see television. The question says कि हमें ऐसे body part का नाम बताना है जो हमारी help करती है television यानी TV देखने में. Okay? Now, think. Yes, very good. Which one? Eyes. Good. Now, next question. Name the body part that helps you hear music. It means, हमें वो body part के name बतानी हैं जो हमारी help करते हैं किस चीज़ में? Music को सुनने के लिए. क्या करने के लिए? Music सुनने के लिए. So, think about it. Yes, answer is ear. Ears help us to hear different sounds. It means, जो हमारे ears हैं, जो हमारे कान हैं, वो हमारी help करते हैं अलग अलग type के sound यानी आवाज सुनने के लिए. Okay, now, the next question says, name the body part that helps you taste a beer. It means कि आपको उस body part का नाम बताना है जो हमारी help करते हैं beer यानी नाशपाती. नाशपाती को taste करने के लिए हम कौन से body part की help लेते हैं, आपको वो नाम बताना है. Okay, so think about it. No, not smell. It's about taste. So, which body part help us? Yes, very good. Our tongue help us to taste a beer. Means, जो हमारा tongue है, जीभ, वो हमारी body part है, जो help करता है, जो नाशपाती है, उसके taste को बताने में. Now, name the body part that helps you smell a rose. It means आपको उस body part का नाम बताना है जो हमें help करता है कि हम सूंघ के बता दें कि ये क्या है, ये rose है यानी ये गुलाब का फूल है. तो कौन सा body part है जो हमारी help करता है smell करने के लिए, किसी चीज़ को सूंघने के लिए? Think about it. Yes, very good. Nose. Our nose helps us to smell. Okay? Now, let's do the next question. Okay? Now, the next question says, match the columns. Okay? Now, one side sense organs is given and the another side their functions are given. Means, एक side हमें हमारे पांचों sense organs given है और दूसरी side उनके functions यानी वो क्या काम करते हैं वो given है. अब हमें सही sense organs को सही काम के साथ match करना है, यानी हमें sense organs को उनके functions के साथ match करना है. Okay? Now, eyes help us to, yes, very good, see. Nose, smell. Ears, very good, hear. Skin, yes, feel. And tongue, very good, to taste. So, we have matched the sense organs with their functions. Okay? So, today we have learned about our sense organs and their functions.
Now, your homework is to revise sense organs and their functions, and also see the activity questions and match the columns. Okay? Till then, take care, stay home, stay safe. Bye-bye.